गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल फिट एंड फाइन। वेलकम अगेन इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। टुडे इज अवर टॉपिक थ्रस्टी क्रो, द थ्रस्टी क्रो। आज हम एक प्यासे कौवे की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली स्टूडेंट्स। ओके, लेट स्टार्ट। द क्रो वॉज थ्रस्टी। क्रो कौवा वॉज था थ्रस्टी। थ्रस्टी यानी प्यासा। एक कौवा प्यासा था। ही सर्चेड फॉर वाटर। वह पानी की तलाश में था। सर्चेड मीन्स तलाश करना। वाटर यानी पानी। वह पानी की तलाश में था। ही सा ए पॉट ऑफ वाटर। ही सा उसने देखा। ए पॉट एक पॉट ऑफ वाटर पानी का पॉट। उसने क्या देखा? एक पानी का पॉट देखा यानी कि एक पानी का जग देखा। ही कुड नॉट रीच द वाटर। ही कुड नॉट रीच द वाटर। वह पानी तक नहीं पहुंच रहा था। देखिए इसमें ये एक पॉट है, इसमें क्या है? वाटर। देखिए ये पानी तक नहीं पहुंच रहा है ना। ही हैड एन आइडिया। उसको क्या आया? एक आइडिया। क्या आया उसको? आइडिया। पानी वह पानी तक नहीं पहुंच रहा था तो उसको क्या आया? एक आइडिया। ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन। पिक्ड अप उसने इकट्ठे क्या किए? ही पिक्ड अप इकट्ठे क्या किए उसने? स्मॉल स्टोन यानी कि एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उसने क्या किया? इकट्ठा किया। ही पुट दैम इन टू द पॉट वन बाय वन। ही पुट उसने पानी में गिराया। इन टू द पॉट वन बाय वन उसने वन बाय वन पॉट में डालना शुरू किया। किसको क्या शुरू किया डालना? स्टोन। स्टोन यानी पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े उसने इकट्ठे किए थे वो उसने वन बाई वन जग में डालना शुरू किया। देखिए वन बाई वन डालना शुरू कर रहा है ना ये। द वाटर कम अप। इन उन स्टोन को डालने से पानी है वो क्या आया? ऊपर। पानी क्या आया? ऊपर। द वाटर कम अप, पानी ऊपर आया। द क्रो ड्रिंक द वाटर। कौवे ने क्या किया? कौवे ने पानी पिया। ड्रिंक यानी पीना। वाटर पानी। कौवे ने पानी पिया। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। वह क्या हुआ? खुश हुआ। देखिए हमारी जो स्टोरी है थ्रस्टी को, उसमें देखिए एक कौवा है, उसे बहुत प्यास लगी तो उसने पानी की तलाश में इधर उधर क्या करने लगा? देखने लगा या फिर भटकने लगा। उसको फिर एक पानी का जग दिखाई दिया। देखिए पानी का क्या देखा उसने? जग। लेकिन जग में पानी था वो क्या था? कम था। वो पानी क्या था? कम था। तो वह पानी तक नहीं पहुंच रहा था तो कौवे को एक आइडिया आया। उसने स्टोन इकट्ठे किए। स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े। पत्थर के टुकड़े इकट्ठे किए और जग में वन बाय वन डालना शुरू किया। और स्टोन डालने से देखिए पानी ऊपर आया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और कौवा बहुत क्या हुआ? हैप्पी। तो आपको ये स्टोरी आपकी बुक में रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यू क्लास में न्यू वर्क के साथ मिलते हैं। बाय।